कर दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सोल्यूशन जैसे कि अगर आप लोग निफ्टी को या मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि निफ्टी इधर दोस्तों कैसे किस तरह से इधर भैया अप एंड डाउन अप एंड डाउन इस तरह का जो चार्ट है आपको भैया दिखाई दे रहा होगा आज के समय में जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी आपको डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे मार्केट के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबली प्रेशर आपको दिखाई दे रहा एक दिन निफ्टी ऊपर चला जाता है फिर डाउन आ जाता है सौ डेढ़ सौ पॉइंट अप एंड डाउन इधर चलता ही रहता है लेकिन अगर हम डिलीवरी की बात करें तो भैया इधर से हम इस जैसे जो इस पैटर्न में मार्केट चल रही है इधर से अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्रा डे के अंदर इधर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक अच्छा पैसा इधर से कमा रहे हैं रिस्क भले ही है दोस्तों लेकिन इधर से पैसा भी बहुत लोग कमा रहे हैं यानी अगर आज के समय में इस मार्केट पैटर्न को हम देखते हैं तो भैया इधर फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्रा से एक अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं लेकिन भैया इधर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रोकरेज को लेकर जब भी दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इंटर के अंदर इधर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा जो प्रॉफिट है या जो अगर हमें जितना अमाउंट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर ब्रोकरेज के रूप में चला जाता होगा उस समय हमें ये चीज रिलाईज नहीं होती लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं भैया बहुत सारे रुपए तो इधर ब्रोकरेज के रूप में ब्रोकर चुपचाप ले लेता है और बाद में हमें उस चीज का पता लगता है तो ये एक मेन प्रॉब्लम है हम जैसे ट्रेडरों के लिए लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में दोस्तों मैं ब्रोकरेज को लेकर पूरा निवारण लेके आऊं यानी दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी बिल्कुल दोस्तों आप सही सुन रहे हैं अब आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी शून्य बाई फिन के द्वारा इधर दोस्तों जैसे इसके नाम में ही है शून्य तो यहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा चाहे आप दोस्तों डिलीवरी में ट्रेड कीजिए इंट्रा कीजिए ऑप्शन एंड फ्यूचर कीजिए आईपीओ कीजिए म्यूचुअल फंड कीजिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोस्तों इधर कितनी कीजिए कोई भी टर्म एंड कंडीशन और लिमिट नहीं है यहां पर सब कुछ आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन रह जाता है कि भैया इतनी ब्रोकरेज हम थोड़े देते हैं चलिए मैं ये आपको जो ब्रोकरेज है दोस्तों वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि आपके माइंड से पूरे डाउट क्लियर हो जाए कि नहीं हम ब्रोकरेज बहुत सारा देते हैं देखिए जो फिनवेशिया का जो जो वेबसाइट है मैंने इधर ओपन कर रखा इधर दोस्तों जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई दे रहा उसके बाद जो टूल्स है टूल्स में जो इनका एक टूल है कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं देखिए इधर हम मेनली लेके चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में बीस रुपये पर लोट के हिसाब से तो लगभग मैंने सारे ही ब्रोकर देखे हैं भैया वो ले लेते हैं या फिर बीस रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ले लेते हैं तो भैया मान के चलिए कि भैया बीस रुपये लिया है और सेल प्राइस भी अगर मैं बीस रुपये इधर करता हूं फ्यूचर की बात कर रहा हूं और क्वांटिटी आप देख लीजिए जब बाय करोगे करोगे और सेल तो भैया एक ऑर्डर कंप्लीट होता है अगर मैं मेरी बात करूं, दिन के के भैया मेरे जो है सेल के जो है है बाय एंड सेल बीस ऑर्डर हो जाते हैं अगर मैं कैलकुलेट इधर करता हूं तो देखिए भैया इधर जो है एक दिन के मैंने आठ सौ रुपए दे दिए ये तो एक दिन के आठ सौ रुपए है और अगर मैं एक साल का कैलकुलेट करूं ना तो एक साल में दो सौ दिन हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो सौ के बीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितने हो गए चार हजार तो चार हजार अगर मैं ऑर्डर इधर लगाता हूं एक साल में तो देखिए एक लाख साठ हजार रुपए की ब्रोकरेज तो मैं ओवरऑल ब्रोकर को इधर दे देता हूं सालाना दोस्तों ये कम अमाउंट नहीं है बहुत बड़ी अमाउंट है हम जैसों के लिए अगर मैं ऑप्शन को भी कैलकुलेट करता हूं ऑप्शन को भी अगर इसके अंदर एड करता हूं तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे चार की जगह हम टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन और, और इंट्राडे के अगर अप्रोक्सीमेटली पांच मान के चलो कि ऑर्डर हम इधर प्लेस करते हैं तो टोटल देखे दो लाख रुपए की ब्रोकरेज इधर ब्रोकर देते हैं चार्ट के पे करता है। लेकिन जो ब्रोकरेज है ना वो तो हम पर डिपेंड करती है ना फुली तो कम से कम ये तो हम पूरी तरह से बचा सकते हैं दोस्तों शून्य तो भाई फिनवेशिया के द्वारा मैं पर्सनली भी इसको यूज कर रहा हूं और अगर आप भी अपनी जो ब्रोकरेज बचाना चाहते हो तो भैया ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है या जो तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं इनका जो दोस्तों, जो है, उसका कैसा है और किस तरह से हमें जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जो सुनबाई फिनवेशिया की जो ऐप है मैंने इधर जो दोस्तों ओपन कर ली है इधर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का जो इंटरफेस फर्स्टली आपको दिखाई देगा इधर जो वाच लिस्ट है आप अपने हिसाब से दोस्तों स्टॉक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं और इसका दोस्तों जो लिंक है सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया पांच मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर डायरेक्टली दोस्तों आपकी जो ऐप में है आपकी जो लॉग इन आई है उसके बाद आपका पासवर्ड है और ओटीपी के द्वारा सिंपली इसके अंदर साइन इन कर सकते हो देखिए सबसे पहले जो चार्ट है मतलब जो अगर हम बात करें वॉच लिस्ट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी अगर आपके बारे में और कोई डिटेल इसमें जाननी है तो आपको देखिए जो चार्ट एनालिसिस है ना वो भी एडवांस से एडवांस इधर आपको दिखाई दी जाती है देखिए जो इसका चार्ट है हमें इस पैटर्न में दिखाई देगा साथ में यहाँ पर आप चार्ट के अंदर अगर आप चाहे तो दोस्तों अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो एक मिनट का आपको लगाना है पाँच मिनट का लगाना है या फिर अगर मान के चलिए आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट चाहिए जो है हॉलो कैंडल्स चाहिए है कि नहीं चाहिए लाइन चाहिए एरिया चाहिए वो भी सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाती है अगर भैया आप जो इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो आपको जो इसमें जो इंडिकेटर है वो भी मिल जाते हैं आपको पता है ना जो दोस्तों जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं देखिए जो आपको एडिशनल जो ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो अगर आपको कोई और स्टॉक इसमें ऐड करना है तो वो भी आप दोस्तों इधर अच्छे ऐड कर सकते हो यानी पूरी डिटेल है अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए सिंपली आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करके अपने हिसाब से जो इधर से है दोस्तों जैसे जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों यानी अगर आपको किसी स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना है ना आपको दूसरा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है पूरा जो रिपोर्ट डाटा है भैया एक साथ इधर आ जाएगा उसके बाद इधर दोस्तों जो आपको और कुछ अगर फर्दर इंफॉर्मेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं जैसे कि इधर एक जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि सेव इंडिकेटर टेम्पलेट ये आप जो इसको सेव भी कर सकते हैं यानी हर एक एडवांस इंफॉर्मेशन भैया आपको इधर से मिल जाती है तो मैं तो दोस्तों पर्सनली यही यूज करता हूँ क्योंकि इसमें एडवांस जो एडवांस ऑप्शन है मुझे भैया मिल जाते हैं उसके बाद अगर आप दोस्तों इसमें देखेंगे जैसे किसी स्टॉक को अगर बाय करना वो भी बिल्कुल सिंपली है दोस्तों जैसे इधर अगर मैं बाय और सेल अगर करना है एनएससी बीएससी एस सी दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें देखिए जो क्वांटिटी है मैं इधर आपको सेल करके दिखा रहा हूँ कि भैया सेम इसी तरह बाय है चले मैं बाय भी करके दिखा देता हूँ फिर आप बोलोगे कि बाय नहीं किया बाय करने के लिए सिंपली दोस्तों एन एस सी बी एस सी ये दोनों आपके पास मिल जाते हैं उसके बाद क्वांटिटी कितनी है इधर आप क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस क्या रखना चाहते हो भैया मार्केट प्राइस पर रखना चाहते हो या फिर आप अपना जो है प्राइस है वो सेट करना चाहते हो वो ऑप्शन मिल जाता है सी एन सी यानी कैश एनकारी करना चाहते हो एम आई एस यानी कि भैया इंटर डे करना चाहते हो सी ओ ऑर्डर बी ओ ऑर्डर मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस मार ये सब कुछ मिल जाएगा डे आई ओ सी और उसके बाद रेव्यू के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप इधर से बाय कर सकते हो यानी कि जब भी आप कोई बाय या सेल इधर करना है भैया पूरी डिटेल के साथ आप अपने जो ऑर्डर को इधर भैया एग्जीक्यूट करवा सकते हो यानी बाय या सेल करवा सकते हो तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें इतने सारे जो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं उसके साथ कि ओपन कितने पे हुआ हाई कितने पे हुआ वो भी डिटेल इधर आपको मिल जाती है अगर आप एडवांस इसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वो इन्फो भी आपको भैया किसी भी स्टॉक की इधर डायरेक्टली मिल जाती है चार्ट मैंने आपको दोस्तों इधर बता दिया पूरी तरह से अगर दोस्तों आप ये एनालिटिक्स है वो चाहते हैं तो सिंपली आप एनालिटिक्स पे के ऊपर क्लिक करके जैसे कि भैया राइज एंड फॉल की सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक बढ़ा सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक गिरा है तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी कि भैया जैसे वॉल्यूम अप है उसके बाद अगर वो वॉल्यूम हम डाउन है यानी प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें कि किसने ज़्यादा प्राइस गेन किया है किसने ज़्यादा लॉस किया है तो वो भी आपको राइज एंड फॉल मिल जाता है उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है भी आपको मिल जाता है जैसे कि वॉल्यूम शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग वीक है सर्किट ब्रेक कर रहा है हाई एंड लो है यानी और भी एडवांस इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दोस्तों हमें एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है तो ये मुझे सबसे बढ़िया लगा जैसे कि जो ये ऑप्शन आपने देख रहा होगा ये किसी भी स्टॉक के जो एनालिट, एनालिटिक्स है वो हमें स्ट्रॉन्ग बताते हैं डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पर आपका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू कितनी है गेन हुआ है लॉस हुआ है म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है गेन या लॉस कितना हुआ है वो सब कुछ एक जगह पर आपको दिखाई दे जाएगा उसके बाद जो ट्रेड्स आपने कौन कौन सी ली है जी ऑर्डर लगाया है कोई पेंडिंग है या फिर एस की है वो इधर एक ही पेज के ऊपर यानी सिंपली फ्रंट के ऊपर आपको दिखाई दे जाता है जो एक बहुत ही हेल्पफुल होता है भैया हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो में कि भैया आपकी पोजीशन क्या चल रही है होल्डिंग क्या है यानी इसके अंदर हम देख सकते हैं उसके बाद जो ऑर्डर है कितने ऑर्डर हमें लगे हैं पेंडिंग कितने हैं कंप्लीट कितने हैं वो जो ऑर्डर बुक है वो भी हमें मिल जाता है ये इसका जो मेन इंटरफेस है उसके बाद इधर अगर आप क्लिक करेंगे मूवर्स है आईपीओ है कौन से नए नए आईपीओ आने वाले हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो ट्रेड बुक है यानी आपने कितनी जो ट्रेड्स की हैं उसके बाद लिमिट्स है फंड ट्रांसफर है कि जैसे मान के चलिए अगर आपको फंड ऐड करना है तो सिंपली दोस्तों सिंपल क्लिक के ऊपर इधर आप यूपीआई के द्वारा फंड ऐड कर सकते हो नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ के ऊपर दोस्तों जो आपकी अमाउंट दिखाई दे रही है सिंपली दोस्तों इधर से भी आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हो यानी अगर हम बात करें भैया फंड ऐड करने की वो सिंपली दोस्तों इधर से हो जाता है नेक्स्ट अगर हम इधर बात करते हैं देखिए जो वॉच लिस्ट है इधर आप जो 50 तक के जो स्टॉक है एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे कि जो ये दिखाई दे रहा अलर्ट का जो नोटिफिकेशन का इधर आपको कोई जो नए नए नोटिफिकेशन आते हैं उनके ये इधर से जो नोटिफिकेशन है भैया वो दिखाई दे जाते हैं तो मुझे तो दोस्तों जो, जो इसका इंटरफेस है बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगता है यानी अगर हमें किसी भी स्टॉक की एडवांस से भी एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भैया वो शून्य बाई फिनवेसिया की जो ये ऐप है इसके द्वारा हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है यानी अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरी जगह जाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके जो इंटरफेस को देखकर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए जो अदर्स है जैसे प्लेज है हमें कोई स्टॉक प्लेज करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स है अगर हमारा कोई इशू है तो रेजा टिकट के द्वारा हम अपने जो इशू को रेज कर सकते हो रेफर कर सकते हैं कोई अलर्ट आएगा वो आ सकते हैं कैलकुलेटर्स है दोस्तों ये जो पूरी डिटेल है भैया आपको इधर मिल जाती है तो मुझे पर्सनली दोस्तों जो ये है शून्य बाई फिन का जो ऐप है बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगता है और इसके द्वारा दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के डिलीवरी उसके बाद आईपी म्यूचुअल फंड के अंदर जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम का बेनिफिट ले सकते हो यह सब कुछ पॉसिबल है सुनने बाई फिन के द्वारा so, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा भैया सिक्योरिटी को लेकर क्या है इसकी डिटेल हिस्ट्री क्या तो देखिए आप जो मेरी लैपटॉप स्क्रीन देख लोंगे भैया जो इनकी पूरी डिटेल है आपको इधर दिखाई दे जाएगी देखिए भैया जो है कि वर्कड इन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑन द वॉल स्ट्रीट इनकी जो शुरुआत उधर से हुई थी 2009 में दोस्तों जो फाउंडेड केपीडीएन पी डी डेट सब्सिले इन प्रोवाइडिंग रिसर्च टू ग्लोबल इन्वेस्टर मैनेजिंग मनी फॉर पोरेशन एंड ग्लोबल प्ले हेज फंड दो हजार दस में अगर आप देखोगे रजिस्टर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यू एस ए दो हजार दस में यूएसए के द्वारा रजिस्टर उसके बाद अगर दो हजार ग्यारह में देखेंगे रजिस्टर एज ए फॉरिनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफ आई आई नाउ एफ पी आई विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भैया भारत में जो है दो हजार ग्यारह में रजिस्टर्ड हो गया अगर आप 2015 में देखेंगे बिकेम द ट्रेडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी एंड द एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया ए और 2016 में भैया रिसीव्ड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीपल नोटेबल इन्वेस्टर एट ए वैल्यूएशन ऑफ आई 1.5 बिलियन तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना दोस्तों मुझे पर्सनली जो इन्होंने आज तक जो मतलब इनका जो अबाउट अस में आप पूरी डिटेल देख सकते हो तो आपको दोस्तों जो सिक्योरिटी की डरने की जरूरत ही नहीं है अगर हम 2018 में देखेंगे तो बिकेम मेंबर ऑफ नेशनल एंड डेरिवे एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड में बी रजिस्ट्रेशन टू अलाउ इट्स क्लाइंट्स टू ट्रेड ऑन एनएससी बी एस सी एमसीएक्स एंड एनसीडी एक्स फ्रॉम सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट और 2020 में दोस्तों जो बोल रहे हैं कि मोर कमिंग सुन तो आपको दोस्तों सिक्योरिटी के लेकर घबराने की जरूरत नहीं इधर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है आपके पैसे इधर पूरी तरह से सेफ है इनकी जो जर्नी है आप लोग इधर देख चुके हैं दोस्तों मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा अगर आप दोस्तों लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये सब पॉसिबल है फिनवेशिया के द्वारा आप यहां पर लाखों रुपए जो सालाना ब्रोकरेज के रूप में दोस्तों ब्रोकर को दे देते थे उसका दोस्तों जो छुटकारा यानी उसका जो सोल्यूशन है मिल गया है ये सब कुछ पॉसिबल है सुनिया भाई फिनवेशिया के द्वारा पर्सनली मैं भी दोस्तों अपने जो लाखों रुपए सालाना का जो ब्रोकरेज है इसी के द्वारा इधर बचाता हूं जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया उधर जाकर आप जो अकाउंट है नहीं जो डीमेट अकाउंट है पांच मिनट के अंदर ओपन करवा सकते हो तो दोस्तों फाइनली मैं दोबारा से आप लोगों को कहना चाहूंगा यदि आप भी दोस्तों जो लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये सब पॉसिबल है सुन्य भाई फिनवेश के द्वारा जिसका जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया उधर से पांच मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र